स्वागत है दोस्तों, हमारा ब्लॉग चैनल आप सभी का स्वागत करता हूँ। यानी कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, जो कि यहाँ पे रोड चौड़ी हो रही है और आप लोग बलुआ वाला रोड तो जानते हैं दोस्तों। बलुआ वाला रोड की आप लोग दिखाई दे रहा होगा, 5 फुट इधर से लिया जा रहा है और 5 फुट उस साइड से लिया जा रहा है और ये रोड चौड़ी हो रही है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये हो जाएगा 20 फुट का रोड और काफ़ी चौड़ा हो चुका है दोस्तों। हम लोग गौरा कला यहाँ पे जो कि बन रहा है दोस्तों, रिंग रोड से 1 किलोमीटर दूर पे ये गौरा कला पड़ा हुआ है। जो आप लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो आ रही है ना, ये गिट्टी फैलाते हुए आ रही है, आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों। अब देख रहे हैं कि रोड चौड़ा हो रहा है। यानी कि दोस्तों इस रोड के बारे में बात किया जाए और ये रोड बहुत ही काफ़ी चौड़ा हो रहा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये गिट्टी फैलाते हुए आ रही है और पीछे से ये दबाते हुए एक गाड़ी आएगी जो कि यहाँ पर समतल हो जाएगा। मैं आप लोगों को नज़ारे में पूरा दिखाने वाला हूं, जो कि नज़ारे में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आप लोगों को वो पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाने वाला भी हूँ और जानकारी आगे तक देने वाला भी हूँ, तो जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा। ये है बलुआ वाला रोड जो कि, और आशापुर से बलुआ रोड तक आप लोग जा सकते हैं। इस रोड के बारे में बात किया है दोस्तों, तो मुगल सराय भी जा सकते हैं, चानिया मुगल सराय आप लोग जा सकते हैं, और जो कि गौरा कला से 2 किलोमीटर दूर पे ये हाईवे ब्रिज बना हुआ है, जो कि आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बनाकर दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों इधर का जो कि आप लोग को बताने वाले हैं, ज़मीन का कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप रिंग रोड के पास लेंगे तो 25-50 लाख तो चले जाएगा, और जो कि इसके पीछे भी लेंगे ना, तो इधर का मार्केट जो है लगभग आपको अगर 1 किलोमीटर अंदर भी है ना, तो आपको 17 लाख रुपये भी से मिल जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे गिट्टी गिराया जा रहा है और ये डंपर में लद कर आया हुआ है, और यहाँ पे जो कि आधा आधा गिरा कर फिर आगे बढ़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही गिराते वक्त। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चालू स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख रहे हैं कि बराबर काम होते आ रहा है, और जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी आगे की तरफ ऐसे ही मोबाइल छिड़कते रहते हैं, और आगे आप लोग आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्दा उधरा रहे हैं, अब देख रहे हैं ना आगे की साइड का देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ही गिट्टी गिराते वक्त चले जा रहे हैं लोग, भरा हुआ है। और यहाँ पे जो कि गिट्टी फैलाया जा रहा है कि लाइन से बाहर ना निकले और लाइन में ही रहे, और जो बड़ खबर हो गया वो तो समथर कर ही लेगा भाई साहब मशीन। काफी अच्छा है दोस्तों, आप देख रहे हैं लोग तो दोस्तों ये देख रहे हैं गिट्टी के दबाते वक्त आ रहा है अब, जो कि अच्छा लग रहा है। और ये गिट्टी को चकनाचूर कर देता है, अब बहुत ही कंपन, इसमें बहुत ज़्यादा कंपन है, कंपन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसकी आप लोग को दिख रहा होगा कि पीछे की तरफ उसमें पानी फुहारा की तरह निकल रहा है कि गिट्टी उसमें चपने ना। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे ही सुना। अभी ये एक ही साइड का बन रहा है दोस्तों, अभी दूसरा साइड बाकी है बनने के लिए, जो कि आपको पूरा नज़ारा आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो कि डंपर उठा गया है, जो कि आप लोग को दिख रहा है डंपर पूरा, उसमें गिट्टी खाली हो गया है जो कि अब लेने जाएगा। और काफ़ी अच्छा रोड चौड़ा हो गया है और अच्छा भी लग रहा है देखने में दोस्तों। एक तरह से मार्केट यहाँ का जो कि है बहुत ही ज़्यादा मार्केट यहाँ पर बढ़ गया है। और ये है दोस्तों गोदाम, बगल में गोदाम है और यहाँ पे जो कि हवा मार रहे हैं, यहाँ पे जो कि गर्दा उधरा जाए और गिट्टी फैल जाए, चफन जाए नीचे की तरफ। अब देख रहे हैं लाइन से सब खड़ी हुई है और काम बंद हो गया, अभी गिट्टी ख़त्म हो गया है ना, तो काम बंद हो चुका है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए